तो आरसीसी की डेट, हमने आरसीसी का हम रिविजन क्लास आज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एक घंटे का रिविजन क्लास होगा, जिसमें वो बेसिकली जो फॉर्मूलेज है हमारे और कॉन्सेप्ट है, जिससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो हम तैयार करेंगे, ठीक है। चैप्टर वन इंट्रोडक्शन था, इसमें आरसीसी का डेफिनेशन पढ़ा था हमने। रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट बेसिकली क्या होता है आपका, कॉन्क्रीट सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट आपका कॉन्क्रीट बनाता है, ठीक है। ये होता है आपका कंक्रीट, और रीइंफोर्स मतलब उसमें हम कोई रीइंफोर्समेंट डालते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे कंक्रीट के डेफिशिएंसीज हैं उसको हम हटाते हैं। डेफिशिएंसीज क्या है कि टेंशन, कंक्रीट हमारा टेंशन नहीं झेल सकता, टेंशन की वजह से उसमें क्रैकिंग होती है, तो इसलिए हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं, रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं। तो उसके बाद हम रीइंफोर्समेंट क्या यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं। स्टील ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि स्टील और कंक्रीट का जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, तो उसके साथ साथ मटेरियल भी लंबा होगा या फिर श्रिंक करेगा। तो स्टील और कॉन्क्रीट का जो अल्फा है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, दोनों ही सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इसलिए कॉन्क्रीट और स्टील एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कॉम्पोजिट पार्टनरशिप बनाते हैं, इसलिए हम स्टील यूज करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट पढ़ा था हमने। फिर वाई डू वी नीड स्टील एंड रोल ऑफ स्टील आरसीसी, ठीक है। तुमने मेथड्स पढ़े थे, WSM, LSM, इफेक्टिव कवर, नॉमिनल कवर, एक्सपोजर कंडीशंस, ये सब हमने पढ़ा था। तो हम लोग फटाफट इनको देख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन, आरसीसी मीन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कॉम्पोजिट मटेरियल, क्वालिटीज ऑफ बोथ कंक्रीट एंड स्टील। कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छा होता है, स्टील टेंशन में। कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट मतलब इसका साइज 4.5 mm से कम होता है, एग्जांपल सैंड, एंड कोर्स एग्रीगेट साइज ग्रेटर देन 4.5 mm, एग्जाम्पल क्रस्ट स्टोन, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्क्रीट हो गया, ठीक है। कॉन्क्रीट इज गुड इन कंप्रेशन एंड टेंशन बिकॉज ऑफ परफेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन कॉन्क्रीट एंड स्टील। कॉन्क्रीट कंप्रेशन और टेंशन में दोनों में अच्छा हो जाता है, तो हम लोग स्टील भी कॉन्क्रीट के अंदर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सीमेंट, ये फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, स्टील रीइंफोर्समेंट, कुछ फोटोज हैं उनके, ठीक है। अब टेंशन क्या होता है, टेंशन पुलिंग एक्शन होता है, कंप्रेशन पुशिंग एक्शन होता है, ठीक है। 4.75 होता है RS, 4.4 नहीं होता है, डोंट गेट कंफ्यूज, 4.75 होता है, ठीक है। कंक्रीट कंप्रेशन सस्टेन करने में गुड होता है, पर टेंशन में अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमें एक रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये लोड है आपका, सिंपली सपोर्टेड बीम है, नीचे टेंशन है, ऊपर कंप्रेशन है, तो हम लोग रीइंफोर्समेंट कहाँ यूज करेंगे, नीचे यूज करेंगे, ठीक है। फिर ये आपके कुछ पिक्चर्स हैं आपको अच्छे से विजुलाइज करवाने के लिए कि कंक्रीट कैसे टेंशन में और कंप्रेशन में एक्ट करता है, ठीक है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें ज्यादा टाइम हमें नहीं देना चाहिए, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस सिंपली इंटरनल रिस्पॉन्स होता है, जब भी आप मटेरियल में कोई स्ट्रेन दोगे, मतलब उसका लेंथ घटाओगे या बढ़ाओगे, तो एक स्ट्रेस पैदा होगा उसके अंदर। वैल्यू क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा यूनिट न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, इसको और क्या बोलते हैं हम, MPa, मेगा पास्कल, ठीक है। स्ट्रेस का फॉर्मूला और SI यूनिट दोनों ही आपको प्रेशर की तरह लग रहा होगा, बट प्रेशर एक्सटर्नल होता है, स्ट्रेस इंटरनल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। स्ट्रेन इलॉन्गेशन और कॉन्ट्रैक्शन कॉज पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ ऑन ओरिजिनल लेंथ, ये हमारा स्ट्रेन है, ठीक है। उसके बाद आता है यंग्स मॉड्यूलस, जो कि एक रेशियो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ठीक है। अगर हमें स्ट्रेन पता है, तो स्ट्रेन को अगर हम यंग्स मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड नॉट वाइस वर्सा, मैंने पहले ही बताया, स्ट्रेन पहले आता है, स्ट्रेस बाद में, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट है, क्लॉज 5 और 6 आपका IS 456। देखिए रिविजन क्लासेस में IS 456 और कैलकुलेटर लेके बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको IS 456 में ध्यान रखना है। याद रहे IS 456 में पेन से मार्किंग नहीं करनी है, पेंसिल से हल्की हल्की मार्किंग आप कर सकते हो, बट पेन से मार्किंग मत कीजिए। आपका IS 456 आप कॉलेज में एग्जाम में लाएंगे तो उसको यूज करने दिया जाएगा, अगर उसमें पेन से मार्किंग होगी तो, ठीक है। तो मैं क्लॉजेस बता रहा हूँ रिविजन क्लासेस में, उसको ध्यान रखना है, उनको पेंसिल से हल्का हल्का मार्क कर लेना है, ठीक है, तो आपको पता लगे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज जो हम आईएस कोड से पढ़ रहे हैं आज, वो है क्लॉज 5 और 6 ऑफ IS 456। सीमेंट कॉन्क्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ वॉटर सीमेंट सैंड मतलब फाइन एग्रीगेट, स्टोन एग्रीगेट मतलब कोर्स एग्रीगेट, एंड एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स वो चीजें होती है, हमें जैसे
वॉटर, सीमेंट, सैंड और स्टोन, ये तो अपने साथ साथ अपने खुद की प्रॉपर्टीज लाते ही है कॉन्क्रीट के अंदर, बट हमें अगर कोई और भी प्रॉपर्टीज चाहिए जो तो पहले चार की वजह से नहीं आ पाए तो हम एडमिक्सर यूज करते हैं। ध्यान रहे, एडमिक्सर से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता है, कुछ एकाध चीजें प्रॉपर्टीज बढ़ती है, जैसे वर्केबिलिटी हो गया, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज कॉन्क्रीट की एनहांस होती है, स्ट्रेंथ एनहांस नहीं होती है, ठीक है। कॉन्क्रीट वेट एंड प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप एंड बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग, ठीक है। जैसे हमें बीम बनाना हो, स्लैब बनाना हो, कॉलम बनाना हो, फुटिंग बनाना हो, तो इनके शेप्स अलग अलग होते हैं, तो कॉन्क्रीट इनका शेप धारण करता है कब, जब वो वेट होता है और प्लास्टिक होता है, ठीक है, और जब वो हार्ड हो जाता है तो वो, जब वो ड्राई हो जाता है वो हार्ड हो जाता है, मतलब स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, ठीक है। कॉन्क्रीट इज हाईली ड्यूरेबल अगेंस्ट हॉस्टाइल एनवायरमेंट कंडीशंस एंड चीपर एंड वाइडली यूज, इसलिए कॉन्क्रीट को हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो चीप होता है, ठीक है। और हॉस्टाइल एनवायरमेंट मतलब क्या होता है, मतलब बाहर से अगर केमिकल्स पड़ रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर, या फिर टेम्परेचर बाहर का बढ़ रहा है, या फिर बाहर ह्यूमिडिटी बहुत है, पानी अंदर घुसना चाह रहा है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के अंदर, तो कॉन्क्रीट इन सब के अगेंस्ट बहुत अच्छा एक पावर महसूस करता है, ठीक है। मतलब जैसे हम हमने कॉन्क्रीट के अंदर अपने स्टील लगाया, स्टील बाहर के एनवायरनमेंट को इतने अच्छे से नहीं झेल सकता, अगर पानी उसमें आ जाए तो स्टील करोड़ कर जाएगा, इसलिए कॉन्क्रीट स्टील को बचाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक काइंड ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन गई है दोनों में, एक तो कॉन्क्रीट स्टील को बाहर के एनवायरनमेंट से बचाएगा और स्टील कॉन्क्रीट को टेंशन में क्रैक नहीं होने देगा, ठीक है, इसलिए एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी इनकी पार्टनरशिप बन जाती है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट इज इट्स एबिलिटी टू रेसिस्ट कंप्रेशन, ठीक है। देखो 100 मेगा पास्कल, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक का कंप्रेशन कॉन्क्रीट झेल सकता है, ठीक है। कितना कंप्रेशन झेल सकता है, इसी के हिसाब से कॉन्क्रीट का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से क्या आता है, हमारा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आता है, ठीक है। कॉन्क्रीट यूज विदाउट एनी रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक है। अगर उसमें स्टील ना हो तो उसको रीइंफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट नहीं बोलेंगे, हम प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट बोलेंगे, ठीक है। प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट और रीइंफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ सैंपल फेल इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। देखिए क्लॉज 36.1 सेक्शन 5 में इसके बारे में गिवन है, ठीक है। सेम टू सेम चीज लिखी हुई है, वहां पे क्या होता है, 100 क्यूब्स लिया हमने, उसको कंप्रेशन टेस्टिंग करी उसकी, ठीक है। तो एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके नीचे सिर्फ और सिर्फ 5 या फिर उससे कम क्यूब्स फेल करेंगे, ठीक है। तो उस वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, FCK से। FCK इज नथिंग बट ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, किसका, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट यूजुअली मेजर्ड एज स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट शोज आफ्टर 28 days, मतलब हमने उसको कास्ट किया इसमें 150 mm क्रॉस 150 mm के क्यूब्स में कास्ट किया, उसके बाद हमने क्योरिंग करी। क्योरिंग क्या होता है, पानी में रखना, ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 degree। ये सब आपका आईएस कोड में गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लॉज लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्लॉज में गिवन है कि हम उसे 150 mm साइज क्यूब में कास्ट करेंगे, 28 days उसको क्योर करेंगे, मतलब पानी में रखना, पानी में रखेंगे, और उसके बाद जो 28 days के बाद जितना वो स्ट्रेंथ गेन करेगा वो हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन CTM बोलते हैं इसको। आप लोगों ने अगर साइट विजिट करी है तो आप लोगों को पता होगा CTM क्या होता है, तो CTM में हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। AST at support भी AST minimum से बड़ा होना चाहिए। As per IS 456, concrete has 3 groups, ordinary concrete, standard concrete, high strength concrete, ठीक है, ठीक है। तो 3 groups होते हैं concrete के, सब कुछ given है IS 456 table number 2 में देखना। ordinary concrete M10 to M20, standard M25 to M55 and high strength concrete M60 to M80, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा class 1 का revision खत्म होता है, अब हम class 2 पे जाएंगे। उसके बाद एक grade of cement, grade of concrete पढ़ लिया हमने। grade of concrete nothing but the characteristic strength of concrete cubes tested after 28 days of curing. Ordinary Portland cement is commonly used in construction. अब बोलोगे सर पोर्टलैंड क्यों बोलते हैं, पोर्टलैंड आपके इंग्लैंड में एक जगह है जहाँ का सैंड का जो कलर है इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू सीमेंट, इसलिए इसको हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल सीमेंट है ये, ठीक है। अब
इसकी भी स्ट्रेंथ होती है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, ये एक बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, बट ये कंक्रीट का नहीं, यहाँ पर हम सीमेंट की बात कर रहे हैं, तो ग्रेड्स ऑफ सीमेंट भी उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं। कैसे टेस्ट कैसे करते हैं, सीमेंट लेते हैं, उसके साथ हम सैंड, सीमेंट और सैंड का कॉम्बिनेशन 1:3 रेशियो में, मतलब 1 part ऑफ सीमेंट एंड 3 parts ऑफ सैंड ऑफ 70.6 × 70.6 mm साइज, हमने कॉन्क्रीट में क्या यूज किया था, 150 mm × 150 mm के साइज का क्यूब, यहाँ पे हम कितना यूज कर रहे हैं, 70.6 × 70.6 mm साइज का क्यूब, और इसके हिसाब से हमारे 3 ग्रेड होते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, इट्स नथिंग बट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट क्यूब्स। 33 ग्रेड मतलब 28 डेज में उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 33 N/mm² होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, 33 ग्रेड बहुत कम है, ऑब्सोलीट हो गया है, आजकल हम यूज नहीं करते हैं, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड ही हम आजकल यूज करते हैं। मेजरमेंट ऑफ सीमेंट इज प्रेफरेबली डन इन केजी इंस्टेड ऑफ इट्स वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि सीमेंट जब पानी को सोख लेता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता और घटता है, इसलिए हम सीमेंट को हमेशा वेट में ही मेजर करते हैं, वॉल्यूम में नहीं। इन इंडिया सीमेंट इन सप्लाइड इज इन वेट्स ऑफ इन बैग्स ऑफ 50 kg, इंडिया में अगर आप साइट्स पर जाएंगे जो भी सीमेंट का बैग होगा उसका वेट 50 kg होगा और उसका वॉल्यूम तकरीबन 34.5 liters आता है इन ड्राई स्टेट, ठीक है। तो अगर आप 50 को 34.5 से डिवाइड करोगे तो तकरीबन 1500 kg पर मीटर क्यूब का डेंसिटी आएगा। The maximum cement content for RCC works is 450 kg/m³, ठीक है। एक और चीज जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसी की प्लीज डाउट पूछिए, अगर आप आगे के चैप्टर के डाउट पूछ लेंगे इस चैप्टर का रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो जो भी आगे के चैप्टर के डाउट पूछ रहे हैं प्लीज उससे रिक्वेस्ट है कि वो डाउट्स आप बता लें, जब उस चैप्टर के रिवीजन में पहुंचेंगे हम उस चैप्टर के रिवीजन हम तब करेंगे। चलिए फिर है, हमने प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट पढ़ लिया, मतलब ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ सीमेंट पढ़ लिया, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ स्टील पढ़ेंगे, ठीक है। एक और बात, कॉन्क्रीट के अंदर मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 450 kg/m³ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया सीमेंट पे पानी का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, अगर पानी सीमेंट ने सोख किया तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी और अगर पानी सीमेंट ने लूज किया तो वो श्रिंक करेगा, दोनों ही केसेस में क्रैक्स आएंगे, इसलिए सीमेंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए आरसीसी के अंदर। इसलिए आईएस कोड ने बोला है कि आपकी आरसीसी में मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो है 450 kg/m³ ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। नाउ अब स्टील क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट बॉन्ड बनाता है कॉन्क्रीट के साथ, ठीक है, और उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब टेंशन झेलने की क्षमता, एंड डक्टिलिटी मतलब आप लोग को पता है डक्टिलिटी मतलब किसी भी चीज को अगर आप बहुत लंबा इलोंगेट कर पाओ विदाउट एनी क्रैक हैपनिंग इन दैट मटेरियल तो उसको हम डक्टाइल बोलेंगे, ठीक है। तो अगर डक्टाइल है इसका मतलब क्या है, वो जब उसका वो इलोंगेट होगा तो ऑब्वियसली वह डिफॉर्म करेगा और फेल भी नहीं करेगा पर, ठीक है, क्रैक होने में बहुत सारा डिफॉर्मेशन होने के बाद स्टील फेल या क्रैक करेगा, तो ऑब्वियसली बात है हमें सफिशियंट बॉन्डिंग टाइम मिल जाएगी बिफोर इट्स क्लियर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मैंने बताया था नियरली सेम टू दैट ऑफ कंक्रीट फॉर अवॉइडिंग टेम्परेचर शियर स्ट्रेसेस, मतलब अगर कंक्रीट और स्टील में दोनों में कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग हुआ तो क्या होगा, कंक्रीट ज्यादा इलोंगेट कर जाएगा, स्टील कम इलोंगेट करेगा, वो भी प्रॉब्लम है, स्टील ज्यादा इलोंगेट कर गया कॉन्क्रीट ने कम इलोंगेट किया तो स्टील कॉन्क्रीट को फाड़ के बाहर निकल जाएगा तो वो भी रॉन्ग है, तो इसलिए कॉन्क्रीट और स्टील इक्वल स्ट्रेन होना चाहिए उनमें, ठीक है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रेन होना चाहिए उनमें, इसलिए इसके लिए हमें एक कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन दोनों मटेरियल का सेम चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बताया था कंक्रीट कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टील आपका अगर लगा रहे हो आप कंक्रीट में टेंशन एरिया में तो वो स्टील का इंटरेक्शन बाहर के एनवायरनमेंट के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए कंक्रीट कवर एटलीस्ट 20-30 mm का कंक्रीट कवर होना चाहिए स्टील के बाहर, ताकि वो कंक्रीट कवर जो है स्टील को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट, माय स्टील था, माय स्टील में कार्बन कम होता है इसलिए इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, बट कार्बन कम होता है इसलिए डक्टाइल भी ज्यादा होता है, मैंने बताया था
जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट उतना ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ, बट जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट उतनी ही कम डक्टिलिटी, ठीक है। स्टील रिइंफोर्समेंट हाई डक्टिलिटी बट लो स्ट्रेंथ, क्योंकि कार्बन कम है इसलिए डक्टाइल ज्यादा है, बट कार्बन कम है इसलिए स्ट्रेंथ भी लो है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल स्टील 250 Nm², 250 MPa, ठीक है। कार्बन कंटेंट माइल स्टील इज लो इसलिए इट इज मोर डक्टाइल एंड हेंस इट्स आल्सो कॉल्ड लो कार्बन स्टील। हाईली डक्टाइल है इसलिए अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन में हम यूज करते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक बिल्डिंग से बिल्डिंग हिलेंगी, तो अगर बिल्डिंग में डिफॉर्मेशन आएगा तो हमें ऐसा बिल्डिंग बनाना है जो डिफॉर्म भी हो बट क्रैक ना हो, ठीक है ना। इसलिए अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन में हम माइल स्टील रिइंफोर्समेंट यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ड्यू टू द डक्टाइल नेचर दे शो हायर वैल्यू ऑफ डिफॉर्मेशन, ऑब्वियसली बात डक्टाइल है डिफॉर्म ज्यादा होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है इसलिए और भी डिफॉर्म ज्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमें डिफॉर्मेशन कम चाहिए। 99% स्ट्रक्चर में हमें डिफॉर्मेशन कम चाहिए होता है, ठीक है, अंटिल अनलेस वो अर्थक्वेक डिजाइन हो, ठीक है। अगर अर्थक्वेक डिजाइन नहीं है तो डिफॉर्मेशन ऑब्वियसली कम होगी, कम डिफॉर्मेशन चाहिए तो हम HYSD यूज करेंगे, ठीक है। ड्यू टू द डक्टाइल नेचर शो हायर वैल्यू डिफॉर्मेशन देन HYSD causes cracking, obviously बात है ज्यादा डिफॉर्म करेगा तो कॉन्क्रीट में ज्यादा क्रैकिंग आएगी, तो इसलिए जहाँ पे हमें क्रैक नहीं चाहिए डिफॉर्मेशन नहीं चाहिए वहां पर हम HYSD यूज करेंगे, बट जहाँ पर अर्थक्वेक डिजाइन हो रहा है हमें डिफॉर्मेशन आना चाहिए बट क्रैकिंग नहीं आना चाहिए वहां पे हम माइल्ड स्टील यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है माइल्ड स्टील HYSD कहाँ का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रेस है ये स्ट्रेन है। हमारा डिराइव्ड कॉन्सेप्ट होता है वो वाई एक्सिस में होता है और जो डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेन वो हमारा एक्स एक्सिस में होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ए तक, ए पॉइंट तक आपका स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के साथ साथ बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक वैल्यू होती है दैट इज हुक्स लॉ, हुक्स लॉ होता है, ठीक है। तो हुक्स लॉ ने यही बताया था, हुक्स लॉ लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब ए पॉइंट तक ही वैलिड है, हुक्स लॉ मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर ए पॉइंट तक आप देख रहे हो जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली एक लीनियर रिलेशनशिप है यहाँ पे। इसके बाद फिर आपका ये आता है यील्ड कर्व, यहाँ पर बी पॉइंट के बाद आपका एक प्रोपोर्शनल लिमिट है, फिर यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस मतलब यील्ड स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जिसके बाद आपके कॉन्क्रीट आपके स्टील में स्ट्रेन बहुत आता है, देखो स्ट्रेन बहुत आ रहा है, देख रहे हो स्ट्रेन बहुत आ रहा है बट स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है, स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है, तो ये कौन सी वैल्यू होती है, ये यील्ड प्लेट्यू बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, यील्ड प्लेट्यू, ठीक है। तो परफेक्ट प्लास्टिसिटी और यील्डिंग, उसके बाद जब यील्ड प्लेट्यू खत्म होता है उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद हमारा जहां पर फ्रैक्चर के बाद नेकिंग होती है, नेकिंग के बाद फ्रैक्चर होता है, ठीक है, ये अल्टीमेट पॉइंट है। एक मिनट रुको, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस आया, अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद आपका ये फ्रैक्चर कर जाएगा, आपको ये डॉटेड लाइन दिख रहा होगा यहाँ पे, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमारा इसके बाद जब स्ट्रेन हार्डनिंग होती है तो उसका एरिया कम भी होगा, तो अगर एरिया कम होगा तो ऑब्वियसली बात है जो स्ट्रेस क्रूली क्रू स्ट्रेस जो होगा वो आपका नॉर्मिनल स्ट्रेस से ज्यादा होगा। ये स्ट्रेस वो है, ये स्ट्रेस कर्व जो आप देख रहे हो ये वो स्ट्रेस कर्व है जब हम एरिया कॉन्स्टेंट मान रहे हैं इसमें, क्योंकि हमारा स्टील का एरिया कांस्टेंट है, बट ऑब्वियसली बात है जब आप स्टील में स्ट्रेन दे रहे हो और उसमें स्ट्रेस आ रहा है तो एरिया उसका सेम नहीं रहेगा, तो अगर हम उसका ट्रू एरिया जो हमारा है वो अगर हम माने तो आपका ये कर्व बनेगा, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये जो डार्क लाइन वाला कर्व है इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का बना के एक्सप्लेन कीजिए, तो ये आपके पॉइंट्स हैं ओ ए बी सी डी ई, ये आपके पॉइंट्स आपको ध्यान रहने चाहिए। ए पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट, जहां तक आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, मतलब हुक्स लॉ वैलिड है। उसके बाद आपका बी, बी आपका यील्ड स्ट्रेस है जिसके बाद आपका यील्ड प्लेट्यू मतलब यील्डिंग शुरू होती है, सी के बाद आपका स्ट्रेन हार्डनिंग शुरू होता है, डी आपका अल्टीमेट स्ट्रेस है, अल्टीमेट स्ट्रेस डी है आपका। डी के लिए डिजाइन नहीं करते हैं हम बी के लिए डिजाइन करते हैं,
हमें किसी इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, ठीक है। और डी के बाद हमारा ई आता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये है यील्ड प्लेट्यू। यहाँ पर हमारा स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा, ठीक है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला रीजन जो है इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए एच वाई एस डी बार या फिर कोल्ड ट्विस्टेड बार, जो कोल्ड वर्किंग हम करते हैं, जो हम समझेंगे आगे जाकर, उसमें हम लोग ये वाला पार्ट अवॉइड करने के लिए उसमें एक प्रोसेस चलाते हैं। प्रोसेस क्या है वो हम समझेंगे जब एच वाई एस डी बार पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो उसमें ये वाला जो पार्ट है ये एच वाई एस डी में नहीं आता है, यील्ड प्लेट्यू जो है वो एच वाई एस डी बार के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में नहीं आता है। कैसे नहीं आता वो हम समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हाँ हेलो बोलो सर, मैं कह रहा था कि जो सर ये माइल्ड स्टील बार है सर, इसमें इंक क्यों आता है सर? कौन सा ये? हाँ सर, माइल्ड स्टील बार में सर इंक क्यों आता है सर? ये किंक किंक की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ सर, बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, हाँ सर, देखो ये आपका है हायर यील्ड पॉइंट, ठीक है, ये आपका है हायर यील्ड पॉइंट, ठीक है, और ये आपका है लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। अब ये इसलिए आता है क्योंकि आपके जो कार्बन एटम्स है आपके, बेसिकली देखो ये थोड़ा मटेरियल साइंस का पार्ट है, आपको कितना समझ में आएगा मैं नहीं बता सकता, बट जो कार्बन एटम्स होते हैं आपके स्टील के अंदर, उसके बीच में, उनके बीच में एक स्लिपिंग होती है, ठीक है, उनके बीच में एक स्लिपिंग होती है, जिसके वजह से आपका अचानक से हायर यील्ड पॉइंट से लोअर यील्ड पॉइंट पे आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कार्बन एटम्स के बीच में स्लिपिंग की वजह से होता है, ठीक है, इसकी वजह से होता है। ओके सर, ठीक है। और स्ट्रेन हार्डनिंग की होती है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है मटेरियल साइंस का ही, आपको मैं कभी बाद में समझाऊंगा, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, अभी इतना समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लोअर यील्ड पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट आपको कभी कभी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, इससे मैंने बता दिया आप, ठीक है। कार्बन एटम्स जो होते हैं स्टील के स्ट्रक्चर के अंदर, उनके बीच में स्लिपिंग होती है, जिसके वजह से आपका हायर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट दोनों बनता है। पर यहाँ पर जो हमने जो जनरलाइज कर्व है इसमें हम लोअर यील्ड पॉइंट ही लेते हैं, ठीक है, हम अपर यील्ड पॉइंट के लिए डिजाइन नहीं करते क्योंकि लोअर यील्ड पॉइंट पहुंच नहीं होता है, उसको कोई स्ट्रेन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्लिपिंग होनी ही होनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट दूसरा आया एचवाईएसडी। एचवाईएसडी मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। अब डिफॉर्म क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोल्ड वर्किंग या हॉट वर्किंग होती है, वो क्या होती है बताऊंगा मैं। इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है, कार्बन कंटेंट बढ़ने से क्या होगा, हायर यील्ड वैल्यू तो आएगी, यील्ड वैल्यू हाई आएगी बट डक्टिलिटी लो हो जाएगी, ठीक है। तो एचवाईएसडी बार हम वहां लगाते हैं जहां पे हमें डिफॉर्मेशन ज्यादा नहीं चाहिए, बट अगर अर्थक्वेक प्रोन स्ट्रक्चर है तो उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा आएगा, उसकी वजह से क्रैकिंग होगी, इसलिए अर्थक्वेक प्रोन स्ट्रक्चर्स में मैंने क्या बताया माई स्टील बार यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल है। देयरफॉर कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ, मतलब Fy वैल्यू, यील्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी इसकी, Fy वैल्यू तो बढ़ जाएगी, ठीक है, बट डक्टिलिटी जो है इसकी घट जाएगी। और उसके बाद इसमें वो होते हैं आपके दो टाइप्स के होते हैं, हॉट रोल्ड एंड कोल्ड वर्क। हॉट रोल्ड कुछ नहीं है, बेसिकली आपका जो स्टील के स्टील का सिलेंड्रिकल मटेरियल पीसेस होते हैं, ठीक है, इसको रोल किया जाता है और रोल होते हुए वो बहुत ही जल्दी उसको कूल करा जाता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये हॉट रोल्ड और कोल्ड वर्क क्या होता है, कोल्ड वर्क बेसिकली आपका जो यील्ड प्लेट्यू होता है, यील्ड प्लेट्यू को अवॉइड करने के लिए हम कोल्ड वर्किंग करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसे आपका ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, ऐसे आपका आया यील्ड प्लेट्यू आया, उसके बाद हम इसको वापस लेगा, यहाँ पर हमने डी स्ट्रेन किया, मतलब स्ट्रेन को कम किया, ठीक है, आपका यील्ड प्लेट्यू आ गया, उसके बाद फिर यहाँ से फिर से उसमें स्ट्रेन डालना शुरू किया, अब कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, मतलब आपका यील्ड प्लेट्यू आ ही नहीं पाएगा, मतलब हमने सेम बार को आगे ले गए, यील्ड प्लेट्यू पूरा होने दिया, उसके बाद हमने उसको डीस्ट्रेस किया, डीस्ट्रेस करने के बाद उसको रीस्ट्रेस किया, तो रीस्ट्रेस करने के बाद शुरू वो यहां से हो रहा है, तो आपका ऑब्वियस बात है यील्ड प्लेट्यू अब नहीं आएगा,
तो ये आपका कोड वर्किंग होता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। By cold working, yield plateau is avoided. Therefore, avoiding the large deformation as was in the case of mild steel. But this cold twisting introduces residual stresses in HYSD bars, which makes it corrosion prone. But this problem can be dealt by the introduction of TMT bar. देखिए, cold twisting deform bar जब हमने बनाया, तो yield plateau तो हमारा avoid हो गया. But हमने ये भी देखा कि कुछ residual stresses उसमें generate होते हैं, जिसके रह जाते हैं, जिसकी वजह से उसका structure corrosion prone हो जाता है. तो ये प्रॉब्लम हमने बाद में टीएमटी बार्स के इंट्रोडक्शन में हमने डील किया। अगर आप कभी साइट पे जाएंगे या साइट पे गए हो तो आपने देखा होगा ज्यादातर रीइंफोर्समेंट आजकल टीएमटी होते हैं। टीएमटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। अभी क्या होता है थोड़ी आगे जाके समझेंगे इसको। तो इसके वजह से हमने जो कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार की डेफिशिएंसीज थी उसको हमने एड्रेस किया। एचवाईएसडी बार, सीटीडी बार्स कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म, डिफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस and are done after an elongation process imparts higher yield strength. ठीक है, cold twisted deform bars से हमारा yield strength बढ़ जाता है। ठीक है, and the surface deformations impart higher bondage with concrete. देखिए, obviously ये बातें मैंने बताया था आपको shear के factor में भी, और जो आपका composite action होता है steel और concrete के बीच में, ये basically आपको तब होगा जब steel और concrete के बीच में अच्छा bond बनेगा। और bond कब बनता है, जब उनके बीच में कुछ friction पैदा हो surfaces के interaction में। जो फ्रिक्शन माइल्ड स्टील बार जो होता है उसका जो सरफेस होता है बिल्कुल प्लेन होता है, तो उसमें ज्यादा कोई बॉन्डिंग हो नहीं पाती है कंक्रीट के साथ। बट आपके एचवाईएसडी बार्स होते हैं उसमें हम जो कोल्ड और उसमें भी स्पेशली जो कोल्ड ट्विस्टेड बार्स होते हैं, तो कोल्ड ट्विस्टिंग की वजह से उनके सर्फेस के ऊपर डिफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रोट्रूजन पैदा होते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज्यादा होता है कॉन्क्रीट सर्फेस के साथ। तो अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है बॉन्डिंग बेटर होगी। Because of this deformation, these bar minimize slippage in concrete and increases bond between the two materials. मतलब अगर कोई अगर पूछे mild steel bar, HYSD bar, दोनों में से किस में आपकी bonding better होगी concrete के साथ, तो वो HYSD bar ही होते हैं। TMT bars ही use करते हैं हम। ठीक है, मैंने बताया ना आपको कि आप 99% sites में आजकल TMT bars ही देखेंगे, क्योंकि HYSD bars में cold twisting के बाद वो corrosion prone हो जाता है। ठीक है, हाँ सर, अभी वही कह रहा हूँ सर, वो revision classes सर आज की। ठीक है, अब CTD bar do not show a definite yield point। देखिए, जब हमने cold twist किया तो दो चीजें उसमें चली गई, एक तो yield plateau चला गया, और yield plateau को yield plateau किसके बाद होता था, एक definite yield point के बाद होता था, तो definite yield point आ चुका है CTD bar से, वो है नहीं। तो ऑब्वियसली वाला सीटीडी बार्स में यील्ड प्लेट्यू भी नहीं है और कोई डेफिनेट यील्ड पॉइंट भी नहीं है। तो आप बोलोगे सर हमने FI वैल्यू निकाली कैसे फिर इसकी, तो जो इसका जो सस्टेन कर्व बनता है उसमें हम एक पैरेलल लाइन बनाते हैं किसके 0.2% स्ट्रेन पॉइंट के, वो मैं बताऊंगा आपको आगे जाके जो वो फिगर देखेंगे उसमें हम ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, अभी आपके प्लेन बार्स है या आपके डिफॉर्म बार्स, आपको दिख रहा है माई स्टील प्लेन बार्स के ऊपर कोई भी ऐसा रफनेस नहीं है जो आपको रफनेस HYSD या डिफॉर्म बार्स में दिख रहा है। अगर आप पुराने बिल्डिंग से भी देखोगे टूटते हुए, तो उसमें से जो MS बार, जो माइल्ड स्टील बार्स निकलते हैं, वो बिल्कुल प्लेन निकलते हैं, उनके सरफेस के ऊपर कोई भी रफनेस नहीं होती। और आप देख रहे हो HYSD बार्स के ऊपर रफनेस है, तो ऑब्वियसली बात है इसका बॉन्डिंग कॉन्क्रीट के साथ बेटर होता है। ठीक है, उसके बाद TMT बार हमने लास्ट पढ़ा। TMT बार्स में क्या होता है, TMT बार्स हाई स्ट्रेंथ रीइंफोर्समेंट बार्स हैविंग हार्डेंड आउटर कोर एंड सॉफ्ट इनर कोर। मतलब आउटर कोर हार्ड है, आउटर कोर अगर हार्ड है तो HYSD बार का जो क्षमता थी वो क्या थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा। आउटर कोर अगर हार्ड है तो ये ज्यादा स्ट्रेंथ दे पाएगा, और अंदर आपका सॉफ्ट होता है कोर। ठीक है, बाहर वो टेम्पर्ड मार्टेंस है, टेम्पर्ड मतलब ये हार्ड हार्ड आउटर लेयर है इसका, और इनर लेयर जो होता है वो फेराइट पेरलाइट का होता है जो सॉफ्ट होता है, जो डक्टिलिटी प्रदान करता है। तो बाहर का लेयर आपको दे रहा है हार्डनेस, और अंदर का लेयर आपको दे रहा है डक्टिलिटी। तो हार्डनेस प्लस डक्टिलिटी दोनों का ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है क्या, टीएमटी बार। ठीक है, हैविंग हार्डन आउटर कोर एंड सॉफ्ट इनर कोर मैन्युफैक्चर बाय पासिंग हॉट रोल्ड स्टील बिलेट थ्रू वाटर क्वेंची। मतलब ये हॉट रोल्ड बार है विच हार्डन सरफेस, मतलब सरफेस को हार्डन करता है, बहुत जल्दी हम इसको कूल करते हैं। मतलब हॉट बार्स होते हैं और उसको बहुत जल्दी हम कूल करते हैं, जिसकी वजह से बाहर का सरफेस तो हार्डन हो जाता है पर अंदर का सरफेस सॉफ्ट ही रह जाता है। ठीक है,
It increases its tensile strength while the inner core stays at a comparatively warmer temperature. Hence, core becomes more ductile. ठीक है. Final structure, perfect combination of strong outside layer with ductile core. ठीक है. हमारी कंट्री में सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ये दोनों कंपनीज हमारे टीएमटी बार्स प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद करोजन रेजिस्टेंस स्टील है, ये कुछ नहीं है, आपके कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स लाइक क्रोमियम हम स्टील में ऐड करते हैं जिसके वजह से वो करोजन रेजिस्टेंट हो जाता है. कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ एंड ग्रेड ऑफ स्टील, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हमने पढ़ा था कंक्रीट में उसी के तरह कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ भी होता है. बेसिकली वो यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जिसके नीचे नॉट मोर देन 5% ऑफ सैंपल फेल. ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ इज द वैल्यू बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ सैंपल स्ट्रेंथ फॉल इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ. जैसे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का आपका डेफिनेशन था वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ का होता है डिनोटेड बाय Fy. Characteristic yield strength located by drawing a line from 0.2% strain parallel to stress strain curve. क्या होता है आपका ऐसा होता है stress strain curve HYST का. ठीक है, तो आपका जहां पर 0.2% strain होता है 0.2% strain वहां से हम एक straight line draw करते हैं parallel to this line और ये जहां पर ये intersect करता है इस line को वही point हमारा y एक्सिस में Fy होता है. आप अगर IS कोड भी देखेंगे उसमें भी ऐसे ही करा होगा. तो बेसिकली अब क्या ध्यान रखना है 0.2% स्ट्रेन वैल्यू जो है उस पॉइंट से हम इस कर्व के स्ट्रेट वाला पार्ट जो है उसके पैरेलल ये दोनों लाइंस पैरेलल है उसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं. तो शुरुआत कहां से होती है उसकी 0.2% स्ट्रेन वैल्यू से और जहां पर ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को इंटरसेक्ट करता है वो वाला पॉइंट का करस्पॉन्डिंग वैल्यू y एक्सिस में यील्ड स्ट्रेंथ होता है. तो कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ लोकेटेड बाय ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम 0.2% स्ट्रेन पैरेलल टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ग्रेडिंग ऑफ स्टील रिटन बाय Fe फॉलोड बाय द यील्ड स्ट्रेंथ. जैसे Fe 500 अगर लिखा है जिसका मतलब Fe डिनोट्स आयरन एंड 500 डिनोट्स द यील्ड स्ट्रेंथ. फिर ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील माइल्ड स्टील HYST TMT इन बार्स के कंपैरिजन है इनका ग्रेड्स क्या होता है और यील्ड स्ट्रेस क्या होता है. जैसे माइल्ड स्टील का यील्ड स्ट्रेस होता है 250 mm2 हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स का 415 भी होता है 500 भी होता है 550 तक होता है एंड टीएमटी बार्स का 500 भी होता है 550 भी होता है और कितना इलोंगेट करते हैं इस फीडर से पहले वो भी आप देख पा रहे हैं. माइल्ड स्टील 23% तक इलोंगेशन दिखा सकता है बिफोर फेलियर बट जैसे जैसे कार्बन कॉन्टेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी डिफॉर्मेशन एट फेलियर घट रही है. चलिए तो उसके बाद कार्बन कंटेंट के हिसाब से इनकी वैल्यूज का कंपैरिजन. Fe 415 में 0.3% कार्बन होता है Fe 500 में भी 0.3 होता है बस Fe 500D आप देख पा रहे हैं डी मतलब डक्टाइल. देखिए मैंने क्या बताया था जैसे जैसे कार्बन कॉन्टेंट आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका यील्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ रहा है बट एक्टिविटी घट रही है. तो हमने एक ऐसा एक ऐसे टाइप का हाई यील्ड स्ट्रेंथ रिफॉर्म बार्स बनाया जिसका नाम है Fe500D जिसमें आपकी यील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है बट कार्बन कंटेंट उतना ज्यादा हमें यूज नहीं करना पड़ रहा है. ठीक है, इसलिए इसका इसका नाम क्या है Fe500D. अगर आप कभी साइट्स पे जाएंगे वहां पे देखेंगे Fe500D तो डी का मतलब होता है डक्टाइल. ठीक है, चलिए एक काम कीजिए क्लास खत्म होने वाली है आप लोग अपने चैट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट मार्क कर दीजिए. ठीक है, तो ये आपका ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिख रहा है आपको. ठीक है, ये देखिए यील्ड ये आपका यील्ड प्लेट्यू है ये यील्ड प्लेट्यू आपका HYST बार्स पे नहीं दिखेगा. ठीक है, HYST बार पे ये यील्ड प्लेट्यू आपको नहीं दिखेगी. ठीक है ना, तो यही आपका HYST बार का फायदा है. ठीक है, और कैसे हमने इसका यील्ड स्ट्रेंथ डिटरमाइन किया 0.2% स्ट्रेन से हमने एक लाइन ड्रॉ करी के पैरेलल इस वैल्यू के पैरेलल. ये 0.002 होगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है
ठीक है, तो ये लाइन जहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को इंटरसेक्ट करेगी वो वाला पॉइंट आपका उसका यील्ड स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील का एंड एच वाई एस की बास का। चलिए अपने प्रेजेंस मार्क करते रहिए यहाँ पे रोल नंबर के साथ, अपना नाम रोल नंबर के साथ प्रेजेंस। ठीक है, रोल ऑफ स्टील लोकेशन आरसीसी आपको पता ही है कि अगर स्लिपरी सपोर्टेड है नीचे आएगा हम स्टील वहां पे लगाएंगे। फिर टाइप्स ऑफ लोडिंग में आपका लाइव लोड होता है, डेड लोड होता है, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, ये सब थ्योरेटिकल है। कहाँ पे देख पाएंगे आप इसको? आई एस 456 क्लॉज 19.2 पेज 32। ये जो पीडीएफ्स हैं ये मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ आप लोगों को, इन पेज नंबर के हिसाब से आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि आई एस कोड क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए, और फिर यूनिट वेट ऑफ मटेरियल मतलब उनका डेड लोड किस मटेरियल का कितना होता है वो भी यहाँ पर आपको आईएस कोड में मिल जाएगा। बाकी ये टेबल ही बनी हुई है यहाँ पर, पीसीसी, आरसीसी एंड स्टील, ये तीनों अनब्रेक मेसनरी, ये चार आपका इंपॉर्टेंट है। इन चार का को ध्यान रखना है कि इनका डेड वेट कितना होता है। चलिए, टाइप्स ऑफ लोडिंग में डेड लोड कैलकुलेट कैसे करते हैं? सब सिंपल है, आपको बेसिकली वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई क्या करना है आपको कि डेंसिटी, डेड लोड आ जाएगा। ठीक है, डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, विंड लोड हो गया। लाइव लोड मतलब बेसिकली जो हम ह्यूमंस हैं तो मतलब कॉन्स्टेंट नहीं रहते हैं, कभी बढ़ भी सकते हैं कभी घट भी सकते हैं, तो वो बेसिकली आपके लाइव लोड होते हैं। फिर विंड लोड, फिर उसके बाद अर्थक्वेक लोड, ये सब आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ डिजाइन है, उसमें दो डिजाइन है, WSM एंड LSM। ठीक है, तो WSM हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे, इसमें उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और स्ट्रेन कर्व, और उसमें न्यूट्रल एक्सिस कैसे पता लगाते हैं और मोमेंट और एक्सिस कैसे निकालते हैं कंक्रीट का, वो सब हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का लिंक वगैरह मैं गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास हम करेंगे। चलिए, पिछले लोगों ने अटेंडेंस सबका हो चुका है, तो मैं इस क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ, और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, तो रिकॉर्डिंग बाद में यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो क्लास नंबर 2 में हम लोग WSM से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन आज हो चुका है, कंक्रीट क्या है, स्टील क्या है, कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, NHYS की बार्स का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में WSM से स्टार्ट करेंगे। WSM के बारे में कहाँ गिवन है, पेज 80 पे, थोड़ी बहुत प्री रीडिंग कर लीजिए आप लोग, न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा रिवीजन क्लास में। चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।